या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति जी भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माँ भवानी की कृपा सदैव आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। प्रिय साथियों, आपके परिवारों में सुख शांति रहे और आपके किसी भी कार्य में कभी भी कोई अड़चन ना हो, ऐसी माता भवानी से हमारी प्रार्थना होती है। साथियों, आज के हमारे इस एपिसोड का विषय है कि सोमवार के दिन कौन से रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। सोमवार के दिन आप कौन सा रंग अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि आपका प्रत्येक सोमवार अच्छा हो, सोमवार के दिन आपको शुभ सूचनाएं मिले। प्रिय साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक दिन का एक प्रत्येक रंग बताया गया है, उसी के बारे में आज के इस एपिसोड में मैं आपको सोमवार के दिन प्रयोग किया जाने वाला सबसे भाग्यशाली रंग कौन सा है उसके बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि सोमवार को इस रंग का प्रयोग करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। प्रिय साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी भक्त पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके, क्योंकि जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। तो विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको हफ्ते का जो पहला दिन होता है सोमवार, उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि सोमवार के दिन आप कौन से रंग का प्रयोग करें जिससे आपका प्रत्येक सोमवार अच्छा रहे, सोमवार का दिन आपके लिए लक्की रहे, भाग्यशाली रहे। प्रिय साथियों, सोमवार का दिन हफ्ते का पहला दिन होता है और इस दिन के जो स्वामी होते हैं वो चंद्र देवता होते हैं, यानी कि चंद्रमा। प्रिय साथियों, चंद्रमा को सौम्यता, शीतलता और सहजता का प्रतीक माना गया है और अगर कारक की बात करें तो चंद्रमा माता का, मान सम्मान का, लक्ष्मी का कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं, शुभ हैं, शुभ परिणाम दे रहे हैं तो आपका आपकी माता के साथ परस्पर प्रेम हमेशा बना रहेगा, आपके पास धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभ भाव में बैठ करके आपको शुभ फल दे रहा है, लेकिन अगर कहीं आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में दुर्बल है या अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, अगर चंद्रमा आपका नीच का है तो आपको मान सम्मान में आपके घटावा, आपके माता के साथ आपके संबंधों में मधुरता नहीं होगी, इस तरह के कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, सोमवार के दिन आप सफेद रंग का जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग चंद्रमा का कारक माना गया है। सफेद रंग का अधिक से अधिक सोमवार के दिन प्रयोग करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, नीच के हैं, तो और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। सोमवार के दिन अधिक से अधिक
सफेद रंग का प्रयोग करें। अपने आसपास सफेद रंग जरूर रखें। ऐसा करने से चंद्र देवता आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देने लगे। प्रिय साथियों, जितना संभव हो सके सोमवार के दिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो सफेद रंग के कपड़े अगर पहने तो यह भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। अगर किसी कारणवश सफेद रंग के कपड़े उस समय आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप सफेद रंग का रुमाल भी अपनी जेब में रख सकते हैं। ऐसा करने से सोमवार के दिन आपको हमेशा शुभ सूचनाएं मिलेंगी। आपके किसी भी काम में कभी भी कोई अड़चन नहीं होगी। प्रिय साथियों, सोमवार का दिन हफ्ते का पहला दिन होता है और कहते हैं कि हमारे अगर शुरुआत अच्छी हो, अगर हमारे हफ्ते का पहला दिन अच्छा होगा तो भगवान की कृपा से आगे भी सारे दिन हमारे अच्छे ही जाएंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि सोमवार को सफेद रंग अपने आसपास जरूर रखना है। आप रुमाल भी ले सकते हैं, संभव हो सके तो सफेद रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी विशेष अशुभ भाव में बैठकर के पीड़ा दे रही है तो उसके लिए आप मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। मोती रत्न धारण करना चंद्रमा के लिए विशेष फलदायी होता है। प्रिय साथियों, तो यह मैंने आज आपको बताया कि सोमवार के दिन आप सफेद रंग पहने और सफेद रंग पहनने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। साथियों, कई बार अक्सर हमारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि किसी विशेष दिन को लेकर उनकी कोई अड़चन बनी रहती है। कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन उनके साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होती है, तो उस अप्रिय घटना से बचने के लिए आप विशेष दिन के लिए विशेष उपाय जरूर करें। अगले 6 एपिसोड्स में मैं अन्य दिनों के लिए आपके लिए बताऊंगा कि किस दिन कौन सा रंग पहनना शुभ होता है। साथियों, कल मैं आपको मंगलवार के बारे में बताऊंगा कि मंगलवार के दिन आप कौन सा रंग पहने और उस रंग के पहनने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करना है। आपका आज के वीडियो से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं आप सभी भक्त यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः चित्रवेणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखामध्य तेजो वृद्धि कुरुक्षव मे जयकरा शेरवलिका बोल साचे दरबारे की जय। हे भाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।